तो हम आपके लिए लेकर आए हैं हेवेल्स का वीएलडीसी सीलिंग फैन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर आर के इलेक्ट्रीशियन में आपका स्वागत है। दोस्तों ये है हेवेल्स का वीएलडीसी सीलिंग फैन जिसका हम अनबॉक्स करेंगे। वीएलडीसी यानी ब्रशलेस डायरेक्ट करेंट। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। ये इसका सारा डिटेल्स दिया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए अब करते हैं इसे ओपन। तो ये हो गया हमारा ओपन। इसमें आप देख सकते हैं यहां पे कैसे इसको सेट करना है इसके बारे में दिया गया है, बताया गया है। ये हो गया ओपन। तो ये इसका डाउन रोड है, ये आप देख सकते हैं। ये है कैनोपी, हेवेल्स का कैनोपी। इसमें लोगो देख सकते हैं आप हेवेल्स का। और ये इसका वारंटी कार्ड जो कि 2 साल इसका वारंटी दिया गया है। अंत में निकालते हैं मोटर को। अच्छा, उससे पहले इसको देख लेते हैं। ये इसका क्लेम्प है जो कि फैन को लगाने के लिए, ये देख सकते हैं। और रिमोट, इसका रिमोट है, देख सकते हैं इसका रिमोट। साथ में 2 सेल दिया गया है। अब हम निकालते हैं मोटर को। तो ये निकल गया है मोटर। ये निकल गया है, ये आप देख सकते हैं। तो ये है हेवेल्स का वीएलडीसी सीलिंग फैन, ब्राउन कलर में है। ये इसका लुक देख सकते हैं आप। दोस्तों ये 1200 mm का है और ये 26 वाट का है। 2 साल इसका ऑन साइट वारंटी है। ये इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कैपेसिटर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये पीसीबी बोर्ड द्वारा एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए इसका कैपेसिटर नहीं है। दोस्तों ये इसका रिमोट है, ये देख सकते हैं। ये ऑफ, ये ऑन, ये फैन स्पीड के लिए 1, 2, 3, 4, 5 तक दिया गया है। इसमें आप माइनस और प्लस कर सकते हैं। दोस्तों इसे हमने परचेस किए हैं, आप लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। चलिए अब हम इसको सेट करेंगे। तो पहले हम ब्लेड को खोल लेते हैं, उसके बाद हम सेट करेंगे। तो ये इसका ब्लेड दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम फैन को सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम डाउन रोड को सेट करेंगे। तो पहले हम कैनोपी लगाएंगे, ये नीचे साइड का है, ये नीचे साइड है डाउन रोड का। इस तरह से हम लगाएंगे और ये ऊपर साइड का, यहाँ पे हेवेल्स का लोगो देख सकते हैं। इस तरह से हम इसे लगा दिए, ये हो गया सेट। अब इसके अंदर इसके बाद हम पहले ब्लेड को सेट कर लेते हैं। ब्लेड को सेट करने के बाद इसको बाकी को सेट करेंगे। पहले हम स्क्रू को खोल लेंगे और फिर ब्लेड को सेट करेंगे। इस तरह से हम इसे खोल लिए। खोलने के बाद ब्लेड को सेट करेंगे। दोस्तों ये 1200 mm का है, ये आप देख सकते हैं। और इस प्रकार हम इस तरह से इसे सेट करेंगे। तो ये हो गया, इसके बाद हम इसको सेट करेंगे। तो इसमें वायर को डालेंगे, ये हमारा वायर है, इसी से हमें कनेक्शन लेना है। तो वायर को डालेंगे पहले और फिर इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे एक हॉल देख सकते हैं, इसके अंदर हम वायर को डालेंगे। यहाँ पे यहाँ निकल गया, ये आप देख सकते हैं।
इस साइड निकल गया है, इसको हम साइड करके इस वाले होल पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे और निकल गया। इसके बाद हम इसको सेट करेंगे। दोस्तों ये हमारे डब्बे के अंदर रह गया था, ये है सेफ्टी वायर और ये यहाँ पे फिट होगा। तो इसको भी फिट कैसे होता है ये हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए ये सेफ्टी वायर है और इसको फिट करना है। तो यहां पे हम सेफ्टी वायर को डालेंगे इस तरह से और फिर इस तरह से हम इसे सेट करेंगे ये होल के साथ। इसको हम इस तरह से कर देंगे, चल जाएगा ये ऊपर निकल जाएगा, यहां पे निकल गया आप देख सकते हैं, यहां पे निकल गया है। इसके बाद इसको हम सेट कर लेते हैं, यहां पे सेट हो गया, बस ये सेट हो गया, ये आप देख सकते हैं यहां पे नीचे इस जगह पे हो गया। इसके बाद हम ये जो हमारा रॉड में जो लगेगा वहां पे इस तरह से हम इसको सेट करना है, तो उसको बाद में करेंगे, पहले इसको हम पूरा कर लेते हैं काम को। नट बोल्ट के साथ इसको हम कस लेते हैं पूरा अच्छी तरह से और फिर उसका कनेक्शन को बनाएंगे। ये सेट हो गया। इसके बाद हम सेफ्टी पिन को लगाएंगे। सेफ्टी पिन फैन के लिए सेफ्टी का सेफ्टी होता है, तो इसको लगाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये फैन आपका गिरने नहीं देगा। इस तरह से इसे हम लगा लिए, ये हो गया। इसके बाद हम फैन का कनेक्शन को बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं एसी इन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये हमारा एसी करंट है, इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो ये हमारा कनेक्शन पूरा हो चुका है। इसके बाद कैनोपी को नीचे कर लेते हैं और यहां तक का काम हमारा पूरा हो चुका है। इसके बाद हम फैन को इंसुलेशन करेंगे और फिर चलाकर देखेंगे। सेफ्टी पिन को लगा लेते हैं यहाँ पे इस तरह से, तो ये हमारा इंसुलेशन हो चुका है। इसके बाद हम जो सेफ्टी वायर है उसको हम लगाएंगे, इसको इस तरह से लगाएंगे, इसको रोड के इस तरह से हम इसे फंसाएंगे और यहां पे डाल देंगे इसके अंदर। इस तरह से हम सेफ्टी वायर को लगाएंगे और फिर स्क्रू को जो है इसका स्क्रू और उसको हम कस लेंगे टेस्टर की मदद से। ओके, थोड़ा दिक्कत हो रहा, निकल गया इस साइड, ये सेफ्टी के लिए है और फिर इसको हम टेस्टर की मदद से थोड़ा कस लेंगे अच्छी तरह से, ये हो गया। इसके बाद अब वायर कनेक्शन करेंगे, तो कैनोपी को ऊपर कर लेते हैं, ये ऊपर आ गए और यहां पे हम वायर का कनेक्शन को कर लेते हैं। तो ये हमारा इंसुलेशन हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम स्विच को ऑन करते हैं, ये बोर्ड का स्विच को कर लेते हैं ऑन। चलिए अब हम इसको ऑफ करके देख लेते हैं। तो ये हमारा ऑफ स्विच है, सिग्नल आ गया, ये ऑफ हो गया। फिर करते हैं इसे ऑन, ऑन हो गया। अब नंबर वाइज देख लेते हैं, तो एक नंबर पर प्रेस करते हैं, एक नंबर पर, एक नंबर हो गया। अब नंबर दो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ गया। नंबर तीन, स्पीड थोड़ा और बढ़ गया। नंबर चार,
थोड़ा सा स्पीड और बढ़ गया है और ये 5 नंबर फुल स्पीड। इसके बाद माइनस प्लस का जो वॉल्यूम है उसको भी देख लेते हैं, ये माइनस होगा लेकिन फैन का स्पीड कम हो गया तो माइनस प्लस से भी आप कम बेसी कर सकते हैं। फैन हमारा घूमने लगा बेल एसी से लिख गया। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।